तो वहीं मॉस्को से अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली एक खबर आ रही है। रूस और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर चर्चा हुई है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मिले हैं ईरान के विदेश मंत्री। आज रूस के दौरे पर हैं ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान। तो रूसी दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री आमिर हैं और ये अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन आमने सामने हैं और अमेरिका बाहर से रूस को ही सपोर्ट कर रहा है, इस बीच रूस के साथ ईरान दिखने की कोशिश कर रहा है और इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है और न्यूक्लियर को लेकर ये बेहद अहम मुलाकात। यूक्रेन को लेकर रूस और नेटो देशों की तनातनी चल रही है। अमेरिका लगातार रूस की घेरेबंदी कर रहा है। इस बीच ईरान भी एक्टिव हो गया है। अब से कुछ देर पहले ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान मॉस्को पहुंच गए हैं। मॉस्को पहुंचने के बाद आमिर ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो रूस के साथ अहम डील करने जा रहे हैं। इस बैठक पर दुनिया की नजर है क्योंकि इससे पहले ही इरबिल में ईरान अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में ईरान और रूस परमाणु समझौते पर बात करेंगे। ईरान और रूस के बीच होने वाले इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या रूस ईरान को न्यूक्लियर पावर वाला देश बनाने वाला है? क्या रूस ईरान को न्यूक्लियर हथियारों की तकनीक ट्रांसफर कर सकता है? क्या इस मुलाकात से ईरान अमेरिका के बीच होने जा रहा परमाणु समझौता प्रभावित होगा? 2017 में अमेरिका ईरान के परमाणु समझौते से अलग हो गया था। हालांकि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इस समझौते पर फिर से बात शुरू हुई, लेकिन इरबिल पर हुए हमले के बाद अब बाइडेन ईरान के साथ रहेंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और यूएन महासचिव का पूरी दुनिया को परेशान करने वाला बयान अब आपको बताते हैं। यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर वॉर की आशंका बनी हुई है, ये कहा है एंटोनियो गुटेरेस ने। यूएन जनरल सेक्रेटरी है। दुनिया बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है, ये कहा है गुटेरेस ने। पुतिन जिस जंग को दो दिन में खत्म करना चाहते थे, उस जंग को 20 दिन हो गए हैं। पुतिन झुंझला चुके हैं और इसी झुंझलाहट में वो उलूल जुलूल फैसला ले रहे हैं। रूस के इसी पागलपन को लेकर अब यूएन भी चिंतित है। यूएन महासचिव का पूरी दुनिया को परेशान करने वाला बयान सामने आया है। गुटेरेस ने कहा है कि यूक्रेन की जंग में न्यूक्लियर वॉर की आशंका बनी हुई है और अगर रूस ने ऐसा किया तो फिर एक बड़ी तबाही आने वाली है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि रूस का न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट करना बेहद गंभीर है। यूक्रेन में जो हो रहा है उसे रोकना जरूरी है। रूस इस तरह की तबाही मचा सकता है, इसका अंदाजा विश्व बिरादरी को पहले से है, लेकिन सवाल इनकी खामोशी पर है। यूएन एक्शन नहीं ले रहा है, नेटो एक्शन लेने की धमकी दे रहा है और यूक्रेन हर दिन तबाह हो रहा है। गुटेरेस ने यह भी कहा है कि कुछ ही समय पहले तक परमाणु हमले की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूसी कार्रवाई के बाद दुनिया में असाधारण स्थिति बन गई है और इससे निपटने के लिए डिप्लोमेसी के रास्ते शांति की कोशिश होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।